लोग देख सकते हो, अभी इससे पहला जो व्लॉग गया था उसमें मेरा दूसरा लुक था, अभी मेरा ये दूसरा लुक है। और मैं कैसे कैसे घर हम लोग पहुंचे हैं, हम लोग 8 बजे घर पहुंचे थे, 7:30 बजे पौने आठ हम लोग घर पहुंचे किट्टो के घर से। और उसके बाद हमने जल्दी से कपड़े चेंज करे, जल्दी मैंने साड़ी पहना है, मैं वैसे नहीं जा सकती थी बिकॉज वहाँ पे बहुत सारे मतलब रिलेशन के भी लोग हैं, तो उस ड्रेस में नहीं जा सकती थी। तो साड़ी पहना, इन्होंने चेंज किया, मैंने धनवी के कपड़े चेंज किए और फिर हम लोग निकले हैं। मैं अभी अपना फुल एंड फाइनल लुक दिखाती हूँ। मेकअप मैंने वही रखा जो मैं करके गई थी, सिर्फ ऊपर से लाइनर लगा लिया और थोड़ा सा टचअप कर लिया बस, और छोटे से इयररिंग्स पहन के और मंगलसूत्र डाल के निकल गई हूँ। बाकी कभी कभी बिना मेकअप के सिंपल लुक भी होना चाहिए ताकि लोगों को पता तो चले कि बिना मेकअप के भी हम ठीक ठाक लगते हैं। सो हम जा रहे हैं इनकी बेस्ट 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 फ्रेंड के यहाँ, और मतलब जो होता है ना लंगोटिया यार जिसे कहते हैं। और जब मैं शादी करके आई थी ना, तो इन दोनों का बॉन्ड देख के मुझे थोड़ी थोड़ी सी जलन होती थी, आज सच बताती हूँ ऑन कैमरा जलन होती थी, क्योंकि होता है ना जब हस्बैंड की कोई फीमेल ऐसे फ्रेंड हो तो थोड़ी जलन होती थी। लेकिन जब मैंने बहुत करीब से इन दोनों को जाना और बहुत उससे, तब मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, लड़की भी एक बेस्ट फ्रेंड हो सकती है, लड़कियां सिर्फ लड़कों की गर्लफ्रेंड ही नहीं होती हैं। ये मुझे इनके और राखी की फ्रेंडशिप के बाद समझ में आया। पहले मुझे लगता था कि नहीं नहीं लड़की फ्रेंड है तो गर्लफ्रेंड ही होगी, झूठ बोलते हैं ऐसे लोग, पहले मुझे लगता था। बट सच में दोनों जने का जो रिलेशन है एक दूसरे के लिए बहुत अच्छा है। और सबसे अच्छी चीज ये है कि इन दोनों के रिलेशन को मैंने और राखी के हस्बैंड ने समझा, है ना, उनकी तरफ से भी मतलब उनकी तरफ से भी जैसे मैं हूँ, क्योंकि शुरू में ना नहीं पता होता है, फिर जब थोड़ा सा वो होता है ना तो पता चलता है। क्योंकि हमारे कभी ऐसा कोई फ्रेंड, ऐसा कोई मेल फ्रेंड इस तरीके का बेस्ट फ्रेंड कि हर सुख दुख में, और यहाँ तक कि ना राखी ने मेरी शादी में फैमिली, दोनों की फैमिलीज का बयान देना, और यहाँ तक कि मेरी शादी में भी उन्होंने बहुत सारी चीजें आपके साथ घूम घूम के शॉपिंग कराई थी ना, जैसे कि मेरा रिसेप्शन का गाउन इनके साथ जा जाके उन्होंने बहुत ढूंढी थी, जैसे कि मेरी रिंग और भी बहुत सारी चीजें, यहाँ पे है और भी बहुत सारी चीजें। और उनकी शादी में मैंने भी दिल खोल के इंजॉय किया था, एंड सच में बहुत अच्छे हैं सब, बहुत अच्छे, अंकल आंटी भी बहुत मानते हैं, चलिए हाँ पूरी फैमिली बहुत मानते हैं। सो अभी चलते हैं और इंजॉय करते हैं। हाँ अंदर ही ले चलो, हम पहुंचे हैं 9 बजे पार्टी में, जब पार्टी से सब लोग जाते हैं तब हम पार्टी में पहुंच रहे हैं। अंकल का तो सब सेरेमनी हो गया होगा ना, है ना, कहेंगे खाने ही आए हैं। और जिसको बोलना है वो भी बोल सकता है, कोई बात दिल में नहीं रखना चाहिए। मैं इनके लिए दो शब्द बोल रही हूँ। जीवन में पिया तेरा साथ रहे, जीवन में पिया तेरा साथ रहे, हाथों में मेरे तेरा हाथ रहे, हाथों में मेरे तेरा हाथ रहे। वो अगले जन्म जाके घर में ताली बजे, हमारे सामने भी शर्मा रही है, दो लाइन इनके लिए। शर्मा के मुन फेर नजर के सवाल पर, किस्मत कभी कभी मिलती है जिंदगी में, मोहब्बत कभी कभी होती है दिल वालों की इनायत। और आप थोड़ा थोड़ा परफॉर्मेंस करके, थैंक यू आप सबका आने का, थैंक यू सो मच कि आपने ये शाम बहुत ही अच्छी बना दी। और सबने बोल ही दिया है पापा के लिए, मतलब पापा ऐसे हैं कि इनको देख के मोटिवेशन मिलता है। और पापा और बेटी का बॉन्ड कौन नहीं जानता है, सब जानते हैं कुछ अलग ही है, पर हर चीज के लिए थैंक यू, लैविश लाइफ थैंक यू पापा, हर चीज के लिए थैंक यू, थैंक यू। आप सबका आने का बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे पापा सबको मिले, है ना। मेरे पापा और अपने पापा में कोई डिफरेंस समझ में नहीं आता,
दोनों एक जैसे बहुत प्यार करते हैं मेरे को और ऐसे सबको मिले यही बोलना चाहूँगा। और सुमित है कुछ बोलना चाहूँगा। अब जल्दी पकड़ा देना माइक। एंड अपनी बात में यश जी की बात से उठाऊंगा। यश जी ने कहा ऐसे पापा सबको मिले, मैं कहूंगा ऐसे फ्रेंडी के पापा सबको मिले, क्योंकि मैं बिहार से हूँ, राखी बिहार से है। बिहार में लड़के लड़की की दोस्ती को मतलब क्या कहूँ, आप सब लोग वाकिफ होंगे चीज से। लेकिन अंकल से मिलने के बाद मुझे खुद पहले लगता था कि नहीं, अंकल के दिमाग में कुछ तरीके की चीजें होंगी कहीं ना कहीं। लेकिन जब अंकल से मिले, अंकल ने मुझे जाना, मैंने अंकल को जाना, तो वो कभी उस तरीके का कोई रिस्ट्रिक्शन नजर नहीं आया। और शायद वही एक बहुत बड़ा रीजन था कि मेरी और राखी की दोस्ती आज, राखी की शादी हो चुकी है, मेरी शादी हो चुकी है, आज तक चल रही है एंड आई थिंक इस लाइफ तक तो चलेगी। तो थैंक यू सो मच अंकल। एंड किसी ने कहा था कि शायद यश जी के पापा कह रहे थे कि आपकी नई शुरुआत होगी, तो जनरली ऐसा होता है कि आदमी रिटायरमेंट के बाद अपनी फैमिली में ज्यादा समय देता है। अंकल को मैंने बहुत क्लोजली देखा है, अंकल ने अपनी जॉब के साथ साथ अपने परिवार पर हमेशा बराबर ध्यान दिया। तो ये बहुत बड़ी बात है एक इंसान के अंदर, खासतौर पर मेल के अंदर ये चीजें होना बहुत बड़ी बात है। और अंकल से ये सब चीजें हमने भी अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं सीखी। सो थैंक यू सो मच अंकल हमारे लिए। मैं आशीष को बुलाना चाहूंगा। सो गाइज, हम लोग काफ़ी लेट हो गए थे फंक्शन में और यहाँ पे सब अंकल के लिए कुछ ना कुछ आके बोल रहे थे। इनफैक्ट आधे से ज़्यादा गेस्ट चले भी गए थे और थकान सब कुछ आपको मेरे फेस पे, मुझे इतना रेडी होने का भी मन नहीं कर रहा था क्योंकि सच में बहुत सुबह से निकल के दौड़ भाग के थक गई थी। जो सामने साड़ी दिखी वो पहन के और बस निकल गई। इसी वीडियो में एक चीज़ मैं क्लियर करूँगी बहुत ही उससे कि अभी हम लोग डांस करने जाएंगे डांस स्टेज पे और बहुत सारे लोग ये कमेंट करेंगे कि आप लोग हर जगह जाते हो तो सिर्फ डांस ही करते हो, तो पार्टी में इंसान करने क्या जाता है, या तो खाना खाने जाता है या डांस करने जाता है। तो बहुत सारे लोग होते हैं जो खाना खाने में इंटरेस्ट रखते हैं तो वो अपने अलग अलग खाना देख के खाते हैं, इन्जॉय करते हैं, फ़ोटोज़ क्लिक कराने में लोगों को इन्जॉयमेंट मिलता है, हमें डांस करके मिलता है। और जो हमारे रिलेटिव्स हैं, जो हमारे आसपास के लोग हैं, वो इतने एक्साइटेड हो जाते हैं और वो इतनी खुशी से हम लोग को लेके जाते हैं स्टेज पे, क्योंकि ना स्टेज पे जो होता है ना कि हाँ एकदम खुल के डांस करना, तो उसके साथ इन्जॉय करने में एक अलग ही मज़ा आता है। तो पार्टी में हम लोग हाँ डांस करने ही जाते हैं और मुझे लगता है कि सब लोग यही करने जाते हैं, पार्टी इन्जॉय करने। तो जिसके लिए जो जिस तरीके का इन्जॉयमेंट होता है वो इस तरीके से करता है। तो इसमें यही बोलने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि यार आप हर जगह डांस करते हो, तो हाँ हम हर जगह डांस करते हैं। तो गाइज, उसके बाद हमने क्लिक कराई फैमिली फ़ोटो और ये है राखी जिनको आपने बहुत सारे ब्लॉग्स में देखे हैं, ये हैं उनके चाचा चाची और ये हम लोग हैं यश जी और राखी के हस्बैंड, जो कि मतलब क्या ही बताऊँ, जैसे आंटी को था ना कि बिल्कुल सुमित की तरह लड़का मिलना चाहिए, आंटी बोलती थी मैंने सुना है।
और मतलब बहुत अच्छे हैं दोनों ही की जोड़ी भी बहुत अच्छी है और नेचर वाइज भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और यहाँ सबसे अनोखी चीज़ ये हुई, धनवी ना अंकल के पास से आ ही नहीं रही थी, किसी के भी पास, मेरे पास, इनके पास, किसी के भी पास नहीं। और जैसे ही मैंने कैमरा ऑन करा वो तुरंत आ गई मेरे पास। तो इसी बात में हम सब हंस रहे थे कि देखो कितनी चालाक है। ये है अंकल आंटी राखी के मम्मी पापा। और आंटी बहुत अच्छा गाना गाती हैं, आपने जैसे सुना ही सबने अंकल के लिए। मेरे को भी अंकल के लिए कुछ बोलना था लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई क्योंकि मुझे माइक पकड़ने में थोड़ा सा अजीब लगता है। यहाँ आंटी मुझसे कह रही थी इतना सूखती क्यों जा रही है, क्यों पतली होती जा रही है। तो मैं बोल रही थी आंटी को पता नहीं आंटी क्यों होती जा रही, मुझे खुद नहीं पता है। और फिर हमने यहाँ पे फ़ोटोज़ क्लिक कराई। वैसे ही अंकल आंटी के लिए सरप्राइज़ पार्टी थी जो कि प्लान किया था अंकल के बेटे भैया ने और राखी ने और यस जी ने, तीनों जने ने मिल के। फिर मैं आ गई थी घर और उसके बाद सो वो गई थी, सुबह उठी और फिर मेरे को लगी है आज। आईब्रोज मेरी सही बनी है ना? हाँ जी, आप देख सकते हैं। यहाँ से थोड़ा सा मोटा लग रहा है क्या? ठीक है मैम, बिल्कुल परफेक्ट, मैं सिर्फ एक्स्ट्रा निकाला है। अच्छा, हाँ जी मैम। सो गाइज, जैसे कि आपको पता था बिल्कुल समय नहीं मिल पा रहा था। पिछले 4-5 दिन से मेरी आवाज़ भी चली गई है, तबीयत भी बहुत ख़राब लग रही है, एकदम थक गई हूँ। अंदर से मेरी बॉडी ने ना एकदम जवाब दे दिया है कि अब तुम रेस्ट कर लो, बैंड बज गई है। आज फिर मैं बाहर जाने की हालत में थी नहीं क्योंकि बहुत थकान हो रही थी, तो मैंने घर पे ही बुला लिया। और मैंने अपना जो भी कराना था, आईब्रोज वगैरह सब हो गया है, सुबह ही बुला लिया था। सुबह से मैं लगी हुई थी इन्हीं सब में। अभी मुझे पैकिंग करनी है और मैंने सोचा था नेल्स एक्सटेंशन कराने के लिए, लेकिन नहीं हो पाएगा, समय ही नहीं है क्योंकि पैकिंग करनी है, रात तक ट्रेन है। देखते हैं कैसे होता है, क्या होता है। बाकी मिलते हैं, अभी तक ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है। एक बज गया है इन्हीं सब चीज़ों में। आ रही मम्मी? अच्छा, या कंप्लीट। एंड इन्होंने इतनी प्यारी सर्विस दी ना मुझे कि मैं बता नहीं सकती, क्योंकि ना मुझे इतनी ठंड लग रही थी तो मुझे ब्लैंकेट से निकलने का मन नहीं कर रहा था। ये कोई पेड कोलैबोरेशन नहीं है, कोई मतलब ऐसा नहीं है कि पैसे दिए गए हैं झूठ बोलने का, जी नहीं, बिल्कुल। एक जो होता है ना कि एक आपको तो पता है मैं इतने सारे लोगों के साथ काम करती रहती हूँ कभी ना कभी, लेकिन ना एक जो वो होता है ना, मतलब आराम से ब्लैंकेट में सो के सारी सर्विस हो गई मेरी, जो भी वैक्स वगैरह सब कुछ। थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लगा। चलो आप पैक करो। ये आपको मेरी तरफ से, ये आई मक्स और ये इंस्टा लाइक पैक। अरे वाह, मुझे गिफ्ट भी मिल गया। चलो थैंक यू सो मच मैम, रेटिंग कर देना। हां किसके लिए? मम्मी को दिखा देना, मेरे को दिखा के तो कोई बात नहीं, फिर मेरे को क्या दिखा रही है, देने के लिए ये सारे खराब कर रहे। मामी जी वगैरह के लिए ले लेना। तो एक तो एक्स्ट्रा रख लो, बंद कर दो। सो गाइस, मेरी पैकिंग हो गई और ऐसे लग रहा है मैं जन्मों जन्मों के लिए गांव जा रही हूँ। जैसे लग रहा है कि वापस ही नहीं लौट के आऊंगी, गांव में रहने वाली। मेरा एक ये सूटकेस हो गया है, हटाओ, एक सूटकेस, दो सूटकेस, तीन सूटकेस, ये लहंगे का, और अभी एक और है, एक ये वाला धनवी का, जिसमें मतलब ऊपर झापड़ का जो सामान है वो रखने वाला। एक ये है धनवी का, एक ये है। एंड गाइस, रूम का इतना बुरा हाल मचा हुआ है ना, जैसा लग रहा है कि बाप रे, गंदगी फैली हुई है रूम में। अभी मुझे और भी बहुत सारा सामान रखना है। देखो अपना फेंक के चली गई है। तभी ना इसमें का धनवी का ना वो होगा जीन्स, जो कल एक स्कर्ट नहीं पहना था धनवी में, वो देखना कहाँ होगा। सो गाइस, ब्लॉग को करते हैं एंड, मिलती हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। चैनल पे नए हैं तो जल्दी से एकदम चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन ताकि वीडियो जैसे ही अपलोड हो, बैक टू बैक जो भी ब्लॉग अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सो जल्दी से चैनल को खूब सारा शेयर एंड प्यार तो आप लोग बहुत दे रहे हो, उसके लिए दिल से थैंक यू। बस ऐसे ही प्यार बनाए रखना,
है ना, इतने सारे प्यारे प्यारे कमेंट, इतनी सारी प्यारी प्यारी चीजें देख के एकदम बहुत अच्छा लग रहा है। चलो गाइस अभी थोड़ी सी चीजें हैं वो रख लेते हैं, फिर मिलते हैं, बाय।